चार्ज ज्यादा है क्या? और उसमें बंदा भी कोई नहीं रहता है, उसमें रिस्क रहता है, कोई बंदा भी नहीं होता। और बंदा में बैचलर क्यों? हमें बीच में बिठा रहे हो, खुद एक कुर्सी बैठ गए हो। इसमें कुछ लगा है? तुम भी रहोगे साथ में? नहीं, अकेले हम तुम चलाएंगे। हम चला लेते हैं, टेंशन ना लो। और तैरना भी आता है मुझे। तुम लोगों को आता है? मुझे तैरना आता है। आप तो तैर लेते हैं। बिना तैरने वालों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? खुद की बोट होगी तुम्हारी ये तो। देखो सीन आ रहा, साफ आ रहा। अरे अच्छा, फेंकना नहीं, नहीं पकड़ लो थोड़ा, खोल लेना ट्राइपॉड। वाह वाह, नजारे लो, मोबाइल में देखते रहो, क्या बात है। जम मजा आई हो। इसको बैक करो, बैक करो। कितना गहरा है जी भैया? ये 120 फीट है साइड अंदर, इनके बीच में पता है गहरा। बीच में कितना है पता ही नहीं है कितना गहरा हो सकता है। भैया इसका वाटर कहाँ से आता है? नीचे से ही आता है, यही फिल्टर होके पीने के लिए मिलता है। अच्छा मत करो, अच्छा बीच में रहो, बैलेंस भी लगता है। नीचे से ही आता है पानी जी भैया? पूरे नैनीताल में इसी का पानी फिल्टर हो जाता है। फिल्टर कहाँ से होता है? इस साइड में, फुव्वारा के बगल में। अच्छा तो पानी रुका हुआ है जी? रुका हुआ पानी तो जो है साफ नहीं रहता है। यही तो यहाँ की वो, ये बढ़ता नहीं कभी? ये बढ़ता है, बारिश में लेवल ज्यादा हो जाता है तो निकाल दिया जाता है। अच्छा निकाल दिया जाता है, कैसे निकालते हैं? मशीन लगा के? अरे मशीन लगा देते हैं वहीं से। अच्छा, जैसे पानी रोकते नहीं है नदियों में, उसी हिसाब से यहाँ भी रुका। देखो पहाड़ देखो, इंजॉय। वो गेट खोलेंगे तो इसमें 20 फीट पानी कम हो जाएगा। कितना? 20 फीट। क्या कर खोलेंगे अगर गेट? गेट खोल देंगे तो 20 फीट पानी कम, वो इधर उधर भाग जाएगा। हाँ वो नीचे चला जाएगा, उससे नीचे का तो निकलने का चांस ही नहीं है ना। हाँ सही कहा, नीचे पहुंचा देते हैं। अगर सिक्योरिटी क्या रहती है यहाँ पे, जैसे नाव वाले को कोई अगर बाय चांस अगर कोई नाव से पलट जाती है तो उसको नाव वाले ही रहते हैं? नाव वाले ही रहते हैं, वही बचाते हैं। तो ऐसी कैजुअलिटी तो नहीं कभी आज तक की नहीं हुई? अब अगर आप तीनों लोगों से ऐसे बैठे हो, अगर तीनों लोग एक साइड को हो जाओगे तो पलट ही जाएगी। तरीका होता है। अच्छा थोड़ा वीडियो 2 मिनट के लिए बंद किया जाए, कुछ पूछना चाहेंगे इनसे। किसी को नहीं, जो ओरिजिनल चाइना पीक थी वो उसकी कम हो गई ना ऊंचाई। अब पहाड़ ये है, अगर ये ऊपर से खस जाएगा, इसका नाम तो वही रहेगा ना,
थोड़ी सी कम हो गई है, 60-70 फीट से ज्यादा कम हुई है। क्यों भाई एक चीज बताओ, जैसे ये मकान नीचे बने हुए हैं, थोड़ा अगर कोई दिक्कत ऊपर पहाड़ से होती है तो चोट चोट लगती है। सारे के सारे मकान अगर सामने से ज्यादा हैवी पहाड़ आएगा तो सारे आ जाएंगे। पहली बात यहाँ पे होते नहीं होगा भूस्खलन, ये हुआ तो है। ये क्या है, ये देखो सफाई, ये रोड है बंद हो गई है, लो समझ लो। देखो हमें लगता मकान भी था ऊपर शायद कुछ। क्या मकान जो मकान में रहते, कोई दिक्कत भी होती होगी, स्पायर स्पायर हो जाते होंगे। ये मुझे लगता है ना तो वो खाली करके बाहर हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे मकान चलने लगता होगा लोगों को। हल्का सा जब कुछ दिखता है तो मुझे पता चलता है कि गिरने वाला है, तो वो जैसे क्या है लोग जानकारी रहती होगी, अलर्ट हो जाते हैं। ये नहीं समझ में आता भैया, अपने आप चलाने वाले भाई इससे शाबाश, वाह मेरे शेर। अरे भैया आकाश आकाश झोल लगाओ, फट गई कुछ ना ही रहो चप्पू हां रहो काला टेढ़ा हो गया, इसीलिए कहा गया कम मेहनत करो काला टेढ़ा हो गया। चलवा दो थोड़ा इन्हें पकड़ो, मेहनत का काम ना छोड़ दो, तुम छोड़ो कहता है इसकी तरफ मत देखना, उसकी तरफ मत देखना, स्त्री बच्चे में कहता रहा यहां मेरा गाल पटा जा रहा है, उसकी तरफ मत देखना, छोड़ दे।